थर्सडे को हुई नीट यूजी 2024 केस की हियरिंग की गूंज अब तक सबके कानों में है। लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग पर थी कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पेपर लीक के इस मामले में अपना स्टैंड दिखाते हैं। क्या वो नीट एग्जाम्स का रीटेस्ट लेने के लिए बोलेंगे या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट देंगे, इस सवाल ने सबको जकड़े हुए था। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मैटर को प्रायोरिटाइज करके ये साबित कर दिया कि कैसे उनके लिए भी ये इशू काफी कंसर्निंग है, वहीं दूसरी ओर हियरिंग में हुए सवाल जवाबों ने कई एक्सपर्ट्स को एक्टिव कर दिया है। पेपर लीक, रैंक इन्फ्लेशन, मिसमैनेजमेंट और एफिडेविट्स, नीट यूजी 2024 पेपर लीक रो के बारे में 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट यूजी 2024 एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करने का ऑर्डर तभी दिया जा सकता है जब एग्जाम की पूरी सेंसिटी इफेक्ट हुई हो। अंत में कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को कहा कि रिजल्ट्स को सिटी वाइज और सेंटर वाइज सैटरडे 20 जुलाई तक डिक्लेयर करें कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी को मास्क करके, और अगली सुनवाई मंडे यानी कि 22 जुलाई को शेड्यूल हुई है। इस हियरिंग में एक पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेडेड बेंच ने ये सोचा कि क्या सच में 180 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में सॉल्व किया जा सकता है गिवन कि एग्जाम 10:15 बजे शुरू हुई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर की तरफ से अपना जवाब दिया था कि गैंग में 7 लोग थे जो क्वेश्चंस को आपस में डिवाइड कर लेते थे। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स जिन्हें एलिजली गैंग को पैसे दिए थे उन्हें आंसर्स मेमोराइज करने के लिए दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि पूरा हाइपोथेसिस कि 45 मिनट्स के अंदर ब्रीच हुआ और पूरा पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट्स को दिया गया काफी दूर की बात लगती है। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने जो कुछ पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट में थे उन्होंने नीट यूजी 2024 की कैंसिलेशन की स्ट्रॉन्गली डिमांड की, क्लेमिंग कि एक सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है इन होल्डिंग इट। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि क्वेश्चन पेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ था और ये प्राइवेट कुरियर कंपनी के कस्टडी में 6 दिन तक हजरीबाग में थे। उन्होंने शॉकिंगली ये भी क्लेम किया कि इन्हें ई रिक्शा से एक एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया जिसके बाद प्रिंसिपल को बाद में इस रैकेट में इन्वॉल्व होने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाउएवर नीट यूजी 2024 पेपर लीक के सजेशन को रिफ्यूज किया और पॉइंट आउट किया कि CBI ने प्रिंटर से सेंटर तक की चेन को इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे सीलिंग हुई, कैसे GPS ट्रैकिंग हुई, वहाँ 7-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। कोर्ट ने फिर मिस्टर मेहता से पूछा था कि मिस्टर मेहता क्या आपने नीट पेपर्स को डिस्पैच करने के लिए प्राइवेट कुरियर कंपनी को इंगेज किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सवाल का जवाब बात के स्टेज में देने के लिए कहा है। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस तब रेज किए गए जब CBI ने लीक सजेस्ट किया या तो पेपर्स को सेंटर तक ले जाते वक्त या सेंटर्स पे पहुंचने के बाद एक स्कूल इन हजरीबाग में। अब इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स के बाद कई एक्सपर्ट्स ने 18 जुलाई को हुई हियरिंग पर अपने ओपिनियन दिए हैं। एजुकेशनिस्ट जया प्रकाश गांधी ने सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि एपेक्स कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि नीट पेपर लीक मैटर में कोई लूप होल्स ना हो। गांधी ने शेयर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA के बारे में स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वाइड स्प्रेड लेवल पर माल प्रैक्टिस हुई है। रीनीट होगा या नहीं ये अभी भी क्वेश्चन में है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन एज एजुकेशनिस्ट ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो इंश्योर करे कि CBI इंक्वायरी और उसकी रिपोर्ट को पूरी तरह कंसीडर किया जाए पहले किसी वर्डिक्ट से, चाहे काउंसलिंग बाद में करनी पड़े। स्टूडेंट्स अपनी उम्मीद खो रहे हैं और वर्डिक्ट ऐसा होना चाहिए जो उनके सिस्टम पर फेथ वापस ला सके। साथ ही एक और इशू जो IIT मद्रास रिपोर्ट को लेकर सुनवाई के दौरान उठा था कि क्या वो रिलायबल है या नहीं, इस पर भी टिप्पणियां की गई आफ्टर द हियरिंग। आपको याद होगा कि 18 जुलाई की हियरिंग के दौरान टॉप कोर्ट को सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने बताया था कि IIT मद्रास रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुड्डा ने पिटिशनर्स के लिए अपेयर होते हुए ये भी एलिज किया था कि IIT मद्रास डायरेक्टर प्रोफेसर V कामाकोटी जो NTA के गवर्निंग बॉडी के मेंबर है ये एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पर वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर विशाल वैभव जो IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पहले IIT मद्रास की रिपोर्ट की कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि IIT मद्रास की इन्वेस्टिगेशन ग्रॉसली इनकम्प्लीट और सूडो साइंटिफिक है और ये किसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लेवल तक नहीं उठती। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था NTA से डाटा रिलीज करवाना और ये हो गया, तो ये एक पॉजिटिव कोर्ट ऑर्डर है। प्रोफेसर वैभव का एनालिसिस रिपोर्ट जो नीट 2024 केस के पिटिशनर्स के लिए किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है। प्रोफेसर वैभव की रिपोर्ट स्टेटेड NTA ने स्टूडेंट्स के स्कोर डाटा को किसी भी यूजेबल फॉर्मेट में पब्लिक एक्सेस नहीं दिया। हमारा इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने का टास्क बहुत आसान होता अगर हमारे पास पास्ट ईयर्स कह दो लास्ट 5 ईयर्स और करंट ईयर 2024 का डाटा होता। हमारा एनालिसिस करेक्ट डाटा सेट के साथ
रिपीट किया जा सकता है जब भी प्रोवाइड किया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हियरिंग में पेपर लीक्स पर कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब बहुत सारी पिटीशंस रिलेटेड टू नेट यूजी इरेगुलरिटीज रो 18 जुलाई को एपेक्स कोर्ट ने ली, तो उसमें पिटीशनर्स और इन्वॉल्व पार्टीज ने एक्सप्रेस किया कि पेपर लीक के बारे में कई पॉइंटर्स रेज नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डिस्कशन रखा रिगार्डिंग पेपर लीक इंस्टांसेस एट गोधरा इन गुजरात, पटना इन बिहार और हजरीबाग इन झारखंड। डॉक्टर विवेक पांडे, जिन्होंने मेडिकल एस्पिरेंट्स को उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में मदद की है, उनका कहना है कि कोर्टरूम में पेपर लीक के बारे में कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। लास्ट हियरिंग में ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफिशियल्स को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। इसका मतलब है कि हमें 6 मई से आज तक पेपर लीक केस में क्या प्रोग्रेस हुई है इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोर्ट में अननेसेसरी इश्यूज रेज किए गए, जैसे ग्रेस मार्क्स जो पेपर लीक मैटर से कोई रेलेवेंस नहीं रखते, ये मिसलीडिंग था। हुड्डा, जो लीड पिटीशनर्स के लिए अपेयर हो रहे थे, ने सबमिट किया कि कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम अ हैंडीकैप, क्योंकि ना तो सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट शेयर हुई है उनके साथ, ना ही पूरे रिजल्ट पब्लिश हुए हैं। ये स्कैम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें कई तरह की डिबेट और क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि विक्टिम्स कौन है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक और आर्गुमेंट प्रेजेंट किया गया था कि आईआईटी मद्रास एनालिटिक्स बेस्ड ऑन 23 लाख स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिलायबल नहीं है, और एनालिटिक्स 1,08,000 स्टूडेंट्स के बेसिस पर होना चाहिए जो एडमिशन्स ले पाएंगे, लेकिन ये आर्गुमेंट भी एक्सपर्ट से मिक्स्ड ओपिनियंस अट्रैक्ट कर रहा है। खैर, क्योंकि अब हियरिंग हो चुकी है और कोर्ट ने काफी डिटेल्ड हियरिंग की है, साथ ही उन्होंने मंडे को लंच तक सभी आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करने पर भी अपने इंटेंशंस क्लियर किए हैं, तो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट किया जाए। एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया है कि सुप्रीम कोर्ट मंडे को 22 जुलाई को नीट यूजी इरेगुलरिटीज के पिटीशंस को सुनता रहेगा। काउंसलिंग प्रोसेस शेड्यूल तारीख पर चलती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ और ऑर्डर नहीं देता। कपिल गुप्ता, सीईओ ऑफ नीट प्रेप, ने कहा है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट वर्डिंग जो भी हो, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट आगे आए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के साथ टू कर्ब माल प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू रीगेन स्टूडेंट्स ट्रस्ट। उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना और एनटीए की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, जो अभी शैम्बल्स में है। मेरी सेंस है कि क्रेडिबिलिटी इस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग से बाहर नहीं आने वाली, ये तभी रिस्टोर हो सकती है जब मैटर रिजॉल्व हो और गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्टेप्स के साथ आए इन रिस्पॉन्स टू वट एवर दे हैव गेन्ड फ्रॉम द सिचुएशन। कपिल एडेड, द साइज ऑफ द एग्जाम विच वॉज कंडक्टेड इन ऑलमोस्ट 4,350 सेंटर्स इज वेरी सब्सेप्टेबल टू लीकेजेस टू माल प्रैक्टिसेस। द एग्जाम नीड्स टू गो ऑनलाइन एंड देर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट देर आर स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड, दे विल हैव टू कम अप विथ क्रेडिबल वेज टू रिड्यूस माल प्रैक्टिसेस। तो आपने देखा कि कैसे ये इशू थमने वाला नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई पॉजिटिव वर्डिक्ट नहीं देता। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।